हमारे यहाँ एक सिद्धांत कहा जाता है और सिद्धांत में कहा जाता है कि स्वप्न मिथ्या है। जो हम सब स्वप्न देखते हैं उसको झूठा कहा जाता है। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। स्वप्न को भी झूठा कहा जाता है, लोग कहते हैं पुनर्जन्म भी झूठा है। ऐसे भी लोगों की अपनी अपनी भ्रांतियां हैं, लोग अपने अपने सिद्धांतों को देते हैं, अपना अपना तर्क उसमें प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारे यहां स्वप्न में भी भगवान का अगर दर्शन होता है, स्वप्न में भी भगवान का दर्शन होता है तो उसको साक्षात भगवान का दर्शन ही माना जाता है। स्वप्न में भी भगवान का दर्शन हुआ तो आपको भगवान का दर्शन ही हुआ है। स्वप्न में भी आपने भगवान को देखा है तो पक्का आपने भगवान को देख लिया। लेकिन बहुत सारे लोग स्वप्न को मिथ्या मानते हैं, स्वप्न को झूठा मानते हैं। देखो जिस अवस्था में वह स्वप्न को देखता है उस अवस्था में वह सत्यवत ही होता है। श्री महाराज जी, एक बार हमने पूछा, महाराज जी बहुत सारे लोग तो ये सब बातें कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या होता है, तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है उनका अपना सिद्धांत है, लेकिन यह तुम बताओ कि जब तुम स्वप्न देखते हो, अच्छा बुरा जो भी स्वप्न तुमको आता है, अच्छे या बुरे स्वप्नों में अगर आपको बुरा स्वप्न आता है तो उस अवस्थाओं में अगर स्वप्न झूठा है तो शरीर में तुम्हारे विकार कैसे उत्पन्न हो जाता है? अगर स्वप्न झूठा है तो स्वप्नावस्था में ही आपने जो दृश्य देखा है उन दृश्यों को देख करके आपके शरीर में विकार आ गया। शरीर में स्वाभाविक रूप से विकार आ जाता है। इसका मतलब स्वप्न सत्य था तभी तो विकार उत्पन्न हुआ, अगर स्वप्न झूठा होता तो शरीर में विकार नहीं आता। इसका मतलब स्वप्नावस्था भी सत्यवत प्रतीत होता है। जिस अवस्था में हमने देखा उस अवस्था में सत्य है। इसलिए हमारे यहां स्वप्न में भी भगवान का दर्शन होना साक्षात भगवान का दर्शन होना ही माना जाता है।